Hello friends. This is Pawan Chaudhary. Welcome to An Academy. I hope lecture is live. Very good evening. Very good afternoon. So this is the fifth lecture of uh, Indian Indian economy. गुड इवनिंग एवरीबेन गुड आफ्टरनून So इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट बैंकिंग इन इंडिया भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली के बारे में और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भी टॉपिक है ये मैं आपको सिर्फ स्पेशल में या यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ये मैं प्लस में नहीं पढ़ाऊंगा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा क्योंकि थोड़ा सा प्लस में कंस्ट्रेंट है अगर इसको प्लस में पढ़ाने जाऊंगा तो बाकी कई सारी चीजें डिले हो जाएगी इसलिए ये पूरा जो टॉपिक है वो हम लोग स्पेशल के माध्यम के माध्यम से ही पढ़ेंगे अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये वाला टॉपिक और मुझे फॉलो करते हैं तो ये टॉपिक आप यहीं से कंप्लीट कर लें दूसरा एक रीजन है कि थोड़ा सा स्पेशली यूट्यूब वगैरह के माध्यम से वो थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन वगैरह जो है उसको मैनेज करके थोड़ा अच्छा सी चीजें आपको समझ में आ सकती है ठीक है इसलिए थोड़ा सा मेरा पर्पज है कि आपको इसी माध्यम से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए ठीक है तो टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली भारत के अंदर बैंक अब भारत में अगर बैंक्स की बात करें तो जब स्टार्टिंग जो पहला लेक्चर मैंने आपको इकोनॉमिक लिया था तो समय हमने थोड़ी सी भारत में बैंकिंग सिस्टम की बात की थी कि भारत के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली है वो बहुत लेट आ, आ, समय में डेवलप हुई स्पेशली 1770 के बाद सत्रह के बाद भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ जब ब्रिटिशर्स भारत में एक्टिव हुए उसके बाद से उसके पहले भारत के अंदर ऐसा कोई ऑफिशियल बैंक नहीं था लोगों को पैसा उधार या क्रेडिट है उसके लिए मनी लेंडर्स या जो साहूकार वगैरह होते थे महाजन वगैरह होते थे वो लोग लोगों को उधार दे देते थे और वो उनसे उधार वसूल भी करते थे ऐसे बड़े बड़े जो मर्चेंट बैंकर्स हैं इस पर अगर बड़े बड़े बैंकर्स हुआ करते थे जैसे आपने इंदौर के अंदर सेठ हुजन का नाम सुना होगा कोठारी सेठ का नाम सुना होगा तो जैसे कई सारे बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे और ये सेठ लोगों को जो भी पैसा वगैरह है या जो भी आपका जो लोन वगैरह है वो लोन वगैरह आपको प्रोवाइड करते थे तो उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार के जो बैंक्स हैं इस प्रकार के लोकल बैंक्स किए गए एक्चुअली वो लोग बैंक नहीं थे वो अगर आप बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से सिर्फ लोन प्रोवाइड करने वाले लोग थे लोग सरकार या लोगों को लोन देने का काम था उनका उसके अलावा उनका और कोई फंक्शन नहीं था बट वो हाई रेट के ऊपर लोन देते थे लेकिन जब से ब्रिटिशर्स भारत में अंदर आए तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जैसे ब्रिटेन के अंदर बैंकिंग सिस्टम था वैसे ही बैंकिंग सिस्टम जो है वो भारत में भी स्थापित करने में भारत में करने की कोशिश की और वो परंपरा सत्रह से स्टार्ट हुई फिर 1934 में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई है तो उन्होंने 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट किया उसकी स्थापना की फिर 1949 में उसका नेशनलाइजेशन हुआ फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में वो सब पढ़ेंगे हम 1955 में पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1900 सौ स्पेशली आपका एस का 69 देन उसके बाद 1980s और ये सब चीजें आपको आगे चलती रही ठीक है तो बैंकिंग बेसिक्स से यहाँ पर आपको चीज है पहले हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं कि भारत के अंदर कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रणाली है ये जो भारत के अंदर वित्तीय सिस्टम है डॉट वी कॉल द फाइनेंशियल सिस्टम तो भारत में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय प्रणाली है वो वित्तीय प्रणाली दो तरह की वित्तीय प्रणाली किसी भी देश में आपको होती है पहला होता है मनी मार्केट ठीक है और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट ठीक है पूंजी बाजार और आ, आपका मुद्रा बाजार ठीक है अब मुद्रा बाजार मतलब क्या जहां पर धन का आदान प्रदान हो या पैसा है उसका ट्रांसफर यहां पर आपको हो या पैसे संबंधित कोई भी चीजें तो के अंदर या मनी सेक्टर के अंदर यहां पर आपको आता है इट्स मनी मार्केट ठीक है अब मनी मार्केट जो है वो भी दो तरह का है इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द आरबीआई आरबीआई पूरा मैनेज यहां पर आपको करता है दूसरा कैपिटल मार्केट होता है जो मैनेज होता है बाय द सीबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया तो सेबी के द्वारा कैपिटल मार्केट मैनेज होता है इसको हम अलग से पढ़ेंगे अभी हमारा जो फोकस है मनी मार्केट पे है तो मनी मार्केट का सबसे एक मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम इज मैनेज बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है अगर आरबीआई की बैंक की बात करें कि किस किस प्रकार के बैंक आरबीआई में आपको होते हैं तो पहला होता नॉन शेड्यूल्ड बैंक गैर अनुसूचित बैंक अब ये क्या होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ बारह शेड्यूल हैं बारह अनुसूचियां हैं उसी प्रकार के आरबीआई का जो एक्ट है नाइनटीन उसमें भी कुछ शेड्यूल या कुछ अनुसूचियां इसके अंदर आपको दी गई हैं और उन्हीं अनुसूचियों में से जो एक नंबर की अनुसूची है उसके अंदर बैंकों की लिस्ट दी गई है तो जो बैंक उस लिस्ट में शामिल है उनको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक और जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है वो है नॉन शेड्यूल बैंक तो तीन प्रकार के बेसिक बैंक होते हैं एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक गैर अनुसूचित बैंक जो लिस्ट में शामिल नहीं है फिर होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक है ना वाणिज्यिक वाणिज्य का काम करता है लेन का काम करता है तो बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक अनुसूचित हाँ अनुसूचित आपका वित्त वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित वाणिज्य अनुसूचित मतलब जो लिस्ट में शामिल है तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी जो है चार टाइप के होते हैं पब्लिक बैंक होती है पब्लिक जो जैसे स्पेशली पीएनबी हो गई या एसबीआई हो गई इस प्रकार के पब्लिक बैंक्स हो गए फिर प्राइवेट बैंक्स होती है निजी बैंक होती है है ना प्राइवेट बैंक मतलब वो बैंक जिसके अंदर सरकार का 50 परसेंट या उससे ज्यादा आपको स्टैक है ठीक है उसके बाद प्राइवेट बैंक होती है जहां पर 50 परसेंट ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटिटीज हैं उनका यहां पर आपको शेयर है फिर फॉरेन बैंक होती है विदेशी बैंक कोई विदेशी बैंक भारत में आके बिजनेस करती है और उसके बाद चौथी होती है रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट या उसके अंदर आपको बैंकिंग फैसिलिटीज क्रेडिट फैसिलिटीज ठीक है लोन वगैरह देना उसके लिए यहाँ पर आपको स्टैब्लिश है तो उस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट फॉरन और रीजनल रूरल बैंक ठीक है उसके बाद दूसरी तीसरी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड स्टेट

प्राइमरी कॉपरेटिव है ना उसमें भी फिर आपके अर्बन और रूरल ऐसे अलग अलग होती है और फिर सेंट्रल कॉपरेटिव ठीक है तो इस प्रकार से पूरा जो बैंकिंग है नॉन शेड्यूल, शेड्यूल और शेड्यूल स्टेट कॉपरेटिव बैंक में हमने इसको डिवाइड कर दिया ठीक है ये तो ऑर्गेनाइज हो गया ऑर्गेनाइज मतलब हो गया सब कुछ आरबीआई के अकॉर्डिंग चल रहा है उसके बाद मनी मार्केट के अंदर एक दूसरा मार्केट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज बैंक जो मनी लैंडर्स वगैरह हैं वो चलाते हैं जो बिचोलिया वगैरह हैं लोन पे ब्याज पे ब्याज पैसे देने वाले कई सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को ब्याज पे पैसा वगैरह देते हैं या बाकी बहुत सारे ऐसे फंक्शन करते हैं जो लोन वगैरह पे काम यहाँ पर आपको होता है ना कि कोई भी पैसे की जरूरत है तो फलाना व्यक्ति देता है दो परसेंट पे पांच परसेंट पे या सामान गिरवी रख के देता है फलाना रिश्तेदार वो उधार देता है तो ये

24%, ये मैक्सिमम एनुअल वार्षिक इससे ज्यादा किसी ने पैसा लिया तो तकरीबन वही डेढ़ से पौने दो परसेंट दो परसेंट तक यहाँ पर आपको हो गया उससे ज्यादा कोई चार्ज यहाँ पर आपको नहीं कर सकता करता है तो वो इलीगल है ना, भारत में सब चीजें चलती चलती है कैपिटल मार्केट हम जब आ, आ, वो पढ़ेंगे आपका मनी मार्केट मतलब स्पेशली जो आ, 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 इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट को तब हम यहां पर आपको देखेंगे ठीक है चलिए अब ये तो बात हो गई कि कितने टाइप्स के बैंक होते हैं ऑल ठीक है उसके बाद अगर आरबीआई की हम डायरेक्ट और बात करें तो आरबीआई के अंदर शेड्यूल बैंक है ना शेड्यूल बैंक अनुसूचित बैंक अनुसूचित बैंक मतलब जो उस सूची में शामिल है उस list, उस लिस्ट शेड्यूल में शामिल है इसमें भी कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक में क्या कमर्शियल बैंक मतलब एक तरीके से व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं या सरकारी क्षेत्र के बैंक होते हैं अब पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और नेशनलाइज बैंक दो तरह के बैंक होते हैं ठीक है अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे नेशनलाइज बैंक में पीएनबी हो गया यूनियन बैंक हो गया कैनरा हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह हो गया

सरकारी क्षेत्र का बैंक है ठीक है जो सरकार के अंतर्गत है तो अभी भारत में टोटल बारह बैंक जो है बारह सरकारी बैंक है ठीक है उसके प्राइवेट बैंक हो गए निजी बैंक हो गए जो अभी मैंने आपको बात की फिर फॉरन बैंक हो गए विदेशी बैंक हो गए कुछ छियालीस विदेशी बैंक जो है भारत के अंदर अभी काम कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आर हो गए अभी के समय में फोर्टी थ्री आर आरबी आर जो है भारत के अंदर अभी काम कर रहे हैं फिर कॉपरेटिव बैंक है तो कॉपरेटिव बैंक के तो बहुत नंबर है बहुत लंबी लिस्ट है कॉपरेटिव बैंक की तो कई सारे कॉपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक काम कर रहे हैं उन सहकारी बैंकों में भी स्टेट कॉपरेटिव राज्य सहकारी जिला सहकारी और अदर कॉपरेटिव बैंक अदर में अर्बन कॉपरेटिव और रूरल कॉपरेटिव है ना शहरी आ, शहरी सहकारी समिति और ग्रामीण सहकारी समिति तो ऐसे करके पूरे बैंकिंग सिस्टम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दिस इज द होल डिविजन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इसको एक बार देख लो अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकों का बेसिक डिविजन <coughs> जय हिंद भाई जय हिंद इसको अच्छे से देख लो ठीक है उसके बाद दूसरा जो है नॉन शेड्यूल बैंक होता है गैर अनुसूचित बैंक होता है ना वो अलग लिस्ट है चलिए ये तो बात हो गई पूरे बैंकिंग के ओके उसके बाद भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई पहला बैंक कौन सा बना क्या क्या चीजें हुई तो 1770 में 1770 में एक बैंक बनी उसका नाम था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ठीक है एक मूवी आपने देखी होगी आ, वो कोई तो मूवी है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों उसके अंदर है आमिर खान आमिर खान दोनों है वो लड़ाई वड़ाई करते हैं तो उसमें स्पेशली बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जिक्र आता है उसको लूटने वाला ऐसा कुछ प्लान वन बनाते है ऐसा कुछ है बट उसमें जिक्र जरूर आता है वो मूवी मैंने पूरी नहीं देखी कैटेना केफ और ये आमिर खान और ये सब उसमें थे बड़ी सुपर फ्लॉप मूवी थी जो भी उसका नाम था नाम ही भूल गया थग्स ऑफ हिंदुस्तान शायद उसका नाम था

नाम था उसका इलाहाबाद बैंक लेकिन कहां पर स्टैब्लिश की गई कलकत्ता में की गई फिर 1888 में 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो है वो स्टार्ट की गई और ये बैंक जो है भारतीयों के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है अवध कमर्शियल बैंक तो फर्स्ट बैंक ऑपरेटेड बाय इंडियंस भारतीय लोगों के द्वारा या भारतीय जो आ, कम्युनिटी थी भारत में ही था लेकिन भारत के लोगों के द्वारा इसको मैनेज किया जाता था उसके बाद 1894 में एक और बैंक बनी उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक और ये भारतीयों की बैंक थी किसी भारतीय द्वारा स्थापित की गई थी इट वाज मैनेज्ड बाय द इंडियन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन है ना इट वॉज मैनेज बायिश बाय इंडियन लाला लाजपत राय दयाल सिंह ऐसे कई सारे बड़े बड़े उस समय पे लाला लाजपत राय बहुत बड़े आ, क्या बोल सकते बहुत बड़े व्यापारी थे बिजनेसमैन थे उनका काफी बिजनेस उनके उनके चलते थे, बहुत पैसा था उनके पास में फिर नेशनल मूवमेंट के अंदर भी आपको आ गए तो लाला लाजपत राय जी जो है वो और उनके साथ में आपके जो दयाल दाया, सिंह इन दोनों ने मिलकर बैंक पंजाब नेशनल बैंक आपको स्टैब्लिश किया उसके स्टैब्लिश करने का मेन रीजन यहाँ पर आपको ये था कि उस समय पर भारतीय लोगों को प्रॉपर तरीके से

इन तीनों जो बैंक था इन तीनों बैंक को मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आपको बना दिया गया ठीक है अब ये क्या बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों बैंक बंगाल मद्रास बॉम्बे तीनों बैंक को मिला दिया और क्या बना दिया बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी 1921 में। अब उन्नीस अब इक्कीस से लेकर तो चौतीस तक भारत की जो सेंट्रल बैंक है तो आरबीआई भी सेंट्रल बैंक है उसी तरीके से इक्कीस से चौतीस तक जो सेंट्रल बैंक जो भारत की थी वो थी आपकी इंपीरियल ऑफ इंडिया तो इट वॉज फंक्शन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम नाइन से लेके 1934 ठीक है फिर 1926 आया 1926 के अंदर एक कमेटी बनी उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन और इस हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आपका जो सेंट्रल बैंक है उसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई कि नेशनल बैंक या ऐसा सब चीजें हिल्टन यंग कमीशन बनाया जाए और अल्टीमेटली एक अप्रैल उन्नीस में आपका जो आरबीआई है उसको सेंट्रल बैंक के रूप में या बोलते हैं आरबीआई एक्ट आया नाइनटीन में और एक अप्रैल उन्नीस से आरबीआई एक्ट लागू हुआ और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया था उसका बेसिक काम था कि आपके जो भी बैंकिंग वगैरह के ट्रांजेक्शन वगैरह करना एज ऐसे बैंक के रूप में काम करना उसके बाद जो बैंकों का सुपरविजन वगैरह करना तो ये काम था साथ में बैंकिंग का काम भी आरबीआई के द्वारा यहाँ पर आपको किया जाता था ठीक है अब उसके बाद ये हिल्टन कमीशन था उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस आता है वो है एक किताब थी डॉक्टर अम्बेडकर की उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी ऐसा करके किताब थी उनकी उस किताब से भी कई सारी चीजें अंग्रेजों ने यहां पर आपको ली और उससे जो प्रॉब्लम्स देखी इंडियन रूपी की भारत के बैंकिंग सिस्टम की या भारत के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम वित्तीय समस्या है जो वित्तीय पूरी प्रणाली है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको वहां से मिली और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट का या उस बुक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है इन स्टैब्लिशिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलना कि सिर्फ उसी उनकी जो बुक थी उसी के आधार पर उन्होंने रिजर्व बैंक बना दिया ऐसा नहीं है उससे भी कई सारी चीजें जो है उन्होंने ली क्योंकि वो वो बुक जो थी अपने आप में भारतीय पूरी जो मुद्रा प्रणाली थी भारत का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करती थी तो उस बुक से भी उन्होंने कई सारे रेफरेंसेज लिए और उनके अंदर जो जो चीजें दी गई थी वो और हिल्टन यंग कमीशन दोनों को मिला के उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट इसकी स्थापना की उसके बाद आजादी के बाद एक जनवरी उन्नीस को आरबीआई जो है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया राष्ट्रीकरण कर दिया गया और करके कर जो आ, आपका जो आपका है इसको मुंबई के अंदर तो आई चुका था पहले कलकत्ता में था फिर मुंबई में हो गया तो फिर पूरे जितने भी भारत में बैंकिंग है जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है उनको मैनेज करने के लिए आपका आपको कर दिया गया। तो पूरा टेबल एक बार अच्छे से देख लो पूरी क्रोनोलॉजी है भारत में बैंकिंग सिस्टम की कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लो बैंक के नाम कैटेगरी में याद रखने होंगे नहीं नहीं तो कैटेगरी आपको पता होगा ना ये तो आपको पता ही होता है कौन सा कहां पे बैंक है तो लिस्ट में आपको बताऊंगा आगे इसके अलावा जैसे अभी तो मैंने वो चीजें छोड़ दी है कि स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक वो तो मैंने जानबूझ के उसको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि जब अगर और जैसे पब्लिक बैंक और जैसे पब्लिक बैंक हो गया ना पब्लिक बैंक हो गया प्राइवेट बैंक हो गया फॉरन बैंक हो गया उसी प्रकार से दो कैटेगरी और होती है उनको हम बोलते हैं स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक वो मैंने जान के छोड़ दिया कि चीजें कॉम्प्लीकेट हो जाए आप चाहो तो उसमें पब्लिक uh, के साथ में स्मॉल और uh, आपका स्मॉल uh, बैंक और पेमेंट बैंक वो भी एड कर सकते हो ठीक है तो ये भारत के अंदर पूरी बैंकिंग की हिस्ट्री ये बैंकिंग का पूरा इतिहास हो गया ठीक है उसके बाद समय समय पे भारत के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया क्योंकि अंग्रेजों के समय पे या ब्रिटिश पीरियड में भारत में कई सारी तकरीबन तकरीबन 800 से ज्यादा जो बैंक्स हैं, मोर देन 800 जो बैंक्स हैं भारत के अंदर आपको संचालित थी कोई छोटा बैंक कोई बड़ा बैंक सबसे बड़ा जो बैंक था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना जिसको आईबीआई बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के सबसे बड़े बैंक में से यहां पर आपको एक था उसके अलावा कई सारे छोटे 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 यहां पर आपको बैंक थे ठीक है अब उसके बाद सरकार ने बैंकों के नेशनलाइजेशन को स्टार्ट

और बैंक को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हाँ पर आपको उसको बदल दिया गया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या करा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1995 और uh, 1955 सॉरी और इस बैंक का क्या करा नेशनलाइजेशन कर दिया राष्ट्रीयकरण कर दिया इसको एक सरकारी बैंक बना दिया पब्लिक सेक्टर का बैंक बना दिया तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर आपको आ गया और ये काम सरकार ने किया था कमेटी बनी थी तो उसका नाम था गोरेवाला कमेटी तो गोरे वाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका राष्ट्रीयकरण या इसका नेशलाइज किया गया किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करना मतलब उसके जितने भी शेयर्स हैं जिसके अंदर जितने भी जो भी उसके अंदर रिसोर्सेज हैं असेट्स हैं लाइबिलिटी है वो सब कुछ सरकार के पास आ जाती है गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो सरकार ने इसका नेशलाइज किया नेशलाइजेशन करने के बाद पूरी संपत्ति या पूरा जो भी उसके पास था वो सब कुछ भारत सरकार के पास यहाँ पर आपको आ गया तो नाउ बैंक ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा उसको ओन किया गया ठीक है उसके बाद एस के कई सारे एसोसिएट्स बने भारत के अलग अलग राज्यों में कई सारी और भी छोटी 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 छोटी, -छोटी बैंक हुआ करती थी उन छोटी छोटी बैंक में ये जो अच्छे खासे बैंक थे छोटी मतलब ठीक ठाक बैंक जो थे जिनका अच्छा खासा कैपिटल था उनका भी धीरे दे धीरे नेशनलाइजेशन करना भारत सरकार ने आपको स्टार्ट किया ठीक है तो एसबीआई जो है उसने क्या करा कि उस समय पर नाइनटीन में सेवन जो बैंक थे उन सेवन बैंक को अक्वायर किया सात बैंकों को अधिग्रहित किया किसने एस ने एस ने सरकार के बोलने पर अधिग्रहित किया और उन बैंकों को एसबीआई एसोसिएट बैंक या

इन बैंकों को नेशनलाइज कर दिया अभी जैसे बीकानेर जयपुर था तो बीकानेर जयपुर नाम का एक बैंक हुआ करता था राजस्थान के अंदर तो बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर फिर एक बैंक ऑफ इंदौर हुआ करता था इंदौर में तो उस बैंक का नेशनलाइजेशन किया फिर बैंक ऑफ मैसूर था बैंक ऑफ त्रवन था तो इनको सरकार ने क्या करा पहले नेशनलाइज कर लिया और एसबीआई के एसोसिएट बैंक या सहयोगी बैंक के रूप में स्थापित कर दिया ठीक है उसके बाद आ, ये तो 1960 में सब कुछ चीजें हो गई एक साथ उसके बाद धीरे धीरे क्या करा कि इन बैंक को एसबीआई में मर्ज करना शुरू किया है ना

फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था 2016 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है 2016 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है 2016 और स्टेट बैंक ऑफ त्रिवन था ये भी 2016 तो 2016 में पांच बैंकों को मर्ज किया एक आठ में और एक नौ में है, है ना सौराष्ट्र और इंदौर आठ और नौ में बाकी सभी बैंक दो के अंदर एसबीआई के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज कर दिए गए तो ऐसा करके ये सभी बैंक जो थे वो कहां चले गए वो सभी बैंक जाके अब एस बन गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गए तो इस प्रकार से मर्जर हुआ पहले हम एक बार स्टेट बैंक ऑफ जो इंदौर है इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही यहां पर आपको था तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में चीजें हमको पता होना चाहिए कभी क्वेश्चन यहाँ आप पर आपको आ गया तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है ना अब तो नहीं है अब तो अस्तित्व में नहीं है ये बैंक स्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन में उन्नीस में और किसने स्टैब्लिश किया था महाराजा तुकोजी राव जो थर्ड थे इंदौर के जो महाराजा थे सेकंड स महाराजा तो उन्होंने तुकीरा तुकोजी राव जो थर्ड थे उन्होंने इस बैंक को स्टैब्लिस किया और उन्होंने अंग्रेजों से परमिशन लिया और परमिशन लेके एक बैंक इंदौर के अंदर आपको uh, एक जगह है तो वहां परवार्टर हुआ करता था ठीक है हाँ सियागंज में उसका हुआ करता था तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर उन्होंने उसके बाद 1960 में, 1960 में, 1960 में क्या हुआ कि जैसा बताया कि उन्नीस में आजाद हो गए आजाद होने के बाद भी

आपके आसपास के जो इंदौर से लेके धार झाबुआ और ये पूरा जो एरिया हो गया तो इंदौर स्टेट हुआ करता था मंदसौर निमच तक तो यहाँ पर उनके 50 ब्रांचेस थी 1950 के पहले उस समय इतना एक्सपांशन इनका था तो आजादी के बाद तो मतलब जो नेशनलाइजेशन किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंदौर बनाया तो दूसरी सबसे बड़ी यहां पर आपको बैंक थी उसके बाद एक और बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ देवास तो देवास के अंदर वहां के जो राजा थे उन्होंने बैंक ऑफ देवास बनाई 1962 में जो बैंक ऑफ देवास है इसको भी इसके अंदर यहाँ पर आपको मर्ज कर, कर दिया और ये जो बैंक ऑफ देवास था इट्स बैंक ऑफ देवास देवास भी दो स्टेट थे देवास सीनियर और देवास जूनियर तो उसमें जो देवास जूनियर ब्रांच था ना दो बैंक थे वहां पे भी देवास सीनियर और देवास जूनियर तो जो बैंक ऑफ इंदौर था बैंक ऑफ देवास था उसको 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में और ये देवास का पहला बैंक था है ना देवास इंदौर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है आपको पता ही होगा तो 1962 में आ, आ, उसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया और ये खुद बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ देवास है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था 1936 के अंदर ठीक है उसके बाद 1965 में ये तो हो गया, मासेट में जो होना था उसका कॉमन तो हुआ करती थी लेकिन दो अलग अलग बैंक उन्होंने करेंसी वगैरह सब कुछ सेम वो इशू करते थे लेकिन दो अलग अलग बैंक है वो उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया तो उसको भी उन्नीस के अंदर बैंक देवास जो सीनियर बैंक था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज कर दिया उसके

एक दुख का क्षण था दुख का क्षण इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी बैंक थी जिन्होंने सालों तक उस बैंक ने उनको सर्व किया और उस बैंक ने उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की अब वो बैंक जो है वो खत्म हो रहा है तो वो उस समय पे इंदौर में एक बड़ा ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह भी हुए और फिर लोगों ने उसका विरोध भी किया जो भी ऐसा होता है तो विरोध होता है अल्टीमेटली फिर अब सरकार का डिसीजन था कोई क्या कर सकता था मर्ज हो गया अब भूल भी गए लोग अब सिर्फ किताबों में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का नाम रह गया अभी भी जो मेन ब्रांच है जो मैंने आपको बताया तो एक मालगंज ब्रांच है और एक सियागंज ब्रांच है उनमें अभी भी पुराना वाला जो बोर्ड है अभी भी लगा हुआ है

भारत की उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी है और बैंकिंग, को करने के, लिए, या बैंकिंग को करने के लिए भारत के जो चौदह बड़े बैंक हैं फोर्टीन जो बड़े बैंक, उन 14 बड़े बैंक का कमर्शलाइजेशन या उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए अब उसके लिए वो कानून लेके आई उसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्वेजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक अध्यादेश लेके आई इस अध्यादेश में उनका क्या था बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग मतलब उनकी जितनी भी उनकी संपत्ति वगैरह थी उस संपत्ति या बैंक की जितनी भी अट लाइबिलिटी जो सब कुछ थी असैट मतलब जो बैंक को जो बैंक की संपत्ति है इट्स असेट और लाइबिलिटी मतलब जो बैंक की लाइबिलिटी मतलब हिंदी में बोलेंगे कि बैंक की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो लाइबिलिटी हो गई ठीक है तो असेट और लाइबिलिटी जो भी थी वो तो पूरी उन्होंने अक्वायर कर ली पूरा बैंक को अक्वायर कर लिया उसको बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ और ये क्या था अध्यादेश था फिर बाद में इसी अध्यादेश को कानून बनाया गया और इसके लिए फिर लोकसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग है वो सिटिंग बुलाना पड़ी संयुक्त तो सत्र बना, बुलाना पड़ा और संयुक्त तो सत्र में इसको पास किया गया था अभी भारत के इतिहास में तीन बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त तो सत्र बैठे हैं एक पोटा के केस में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट एक डोगरी प्रोहिबिशन और तीसरा जो है बैंकिंग सर्विस एक्विजेशन ऑफ द अंडरटेकिंग एक्ट इन तीन कंडीशन में भारत में अभी तक

में था तो सरकार ने पूरी की पूरी बैंक जो है वो अक्वायर यहां पर आपको कर ली सबसे बड़ा रीजन यहां पर यह था या उनका बोलना यहां पर आपको यह था कि इस तरीके से हम बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं लोगों के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं क्योंकि तो प्राइवेट बैंक है ये अपने प्राइवेट कस्टमर का ही ध्यान रखेंगे सरकारी बैंक बनेगी तो भारत में बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह है वो सब चीजें यहाँ पर आपको बढ़ेगी तो ये उन्होंने नेशनलाइजेशन किया ठीक है उसके बाद दूसरा फेज ऑफ नेशनलाइजेशन आया नाइनटीन में उन्नीस के अंदर ठीक है अब जो नाइनटीन में ये किया तो इसके खिलाफ फिर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत सारे केसेस हुए उसके बाद उन केसेस वगैरह के बाद उन्होंने क्या किया कि जो सोशलिस्ट वर्ड है समाजवादी जो शब्द है उसको संविधान में ऐड किया है ना फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन फोर्टी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सॉरी आपको पता होगा तो बयालीसवें संविधान संशोधन से उन्होंने क्या करा कि समाजवाद शब्द यहां पर संविधान के अंदर आपको ऐड किया समाजवाद मतलब सरकार जो है वो प्राइवेट जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको ओन कर सकती है उनका नेशनलाइजेशन कर सकती है तो आगे जाके इस प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो इसलिए समाजवाद शब्द जो है संविधान में ऐड किया ये सोच समझ के ऐड किया ऐसे नहीं कि एक शब्द जोड़ दिया उस शब्द के बहुत बड़े मायने हैं वो मायने आपको आगे और समझ में आएंगे तो नाइनटीन में फिर से वही दौर आया उन्नीस के अंदर उन्नीस के इलेक्शन इंदिरा गांधी फिर से जीती से और 80 के अंदर छह जो बैंक थे उन बैंकों का है कि बैंक हो जाएंगे। तो क्रेडिट फैसिलिटी ये वो सब बढ़ेगा एंड ऑल दैट तो कौन कौन से बैंक थे पंजाब एंड सिंध बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया जो पीएनबी है आंध्रा बैंक जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है विजया बैंक जो अभी बीओबी है कॉर्पोरेशन बैंक जो अभी यूबीआई है और न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो अभी भी पी एनबीस करके छह बैंक कौन कौन से पंजाब एंड सिंध ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक विजया कोऑपरेटिव और बैंक ऑफ इंडिया इन सब का नेशनलाइजेशन इन सब का राष्ट्रीयकरण कब किया 1980 में है ना 1980 में तो उन्नीस में 1969 में 14 बैंक और 1980 के अंदर छह बैंकों का नेशनलाइजेशन सरकार के द्वारा यहां पर आपको किया गया ठीक है उसके बाद कई सारे बैंकों का मर्जर किया कई सारे बैंकों को मिलाया गया 1993 में दो बैंक थे एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसको पीएनबी से मर्ज कर दिया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 के अंदर ठीक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद द पंजाब नेशनल बैंक फिर 2019 में विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिला दिया किसके साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में तो विजया बैंक और देना बैंक नाउ इट बिकेम द बैंक ऑफ बड़ौदा फिर 2019 में ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ना और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनको मर्ज कर दिया किसमें पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये किसमें मर्ज हो गए पीएनबी में मर्ज हो गए फिर सिंडिकेट बैंक ये मर्ज कर दिया किसमें केनरा बैंक में सब दो में हुआ फिर 2019 में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक इनको मर्ज कर दिया गया यूनियन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यूबीआई के अंदर फिर 2019 में इलाहाबाद बैंक जो है इसको मर्ज कर दिया गया विद इंडियन बैंक तो इलाहाबाद बैंक नाउ बिकम द इंडियन बैंक ठीक है इस तरीके से इन बैंकों का नेशनलाइजेशन पहला 1993 फिर 2019 में एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार पांच पांच जो बैंक्स हैं मतलब आठ बैंकों का नेशनलाइज करके पूरी सब बैंकों को नेशनलाइज करके छह बड़े बैंक सरकार ने आपको बना दिए सरकार का तो ये चाह सरकार तो ये चाहती थी कि भारत में सिर्फ एक ही बैंक रहे और वो है एसबीआई सिर्फ एक सिंगल बैंक तो इसको लेकर सरकार लगभग तैयार थी कि हाँ एक एस बना देंगे बड़े बढ़िया सिर्फ एक सिंगल बैंक बन जाएगी लेकिन उसको लेकर फिर बहुत सारे विरोध वगैरह हुए स्पेशली जो आरबीआई है उसने उसको लेके चेताया कि आप इस प्रकार से अगर एक ही बैंक अगर बना दोगे तो उससे सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो होगी कि ये एक जो सिंगल बैंक है ये सिंगल बैंक की मोनोपोली है या इसका जो एकाधिकार एस्टैब्लिश हो जाएगा तो बैंकिंग सर्विसेज और बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी तो फॉर दैट रीजन उन्होंने फिर इस चीज को यहां पर आपको ड्रॉप कर दिया कि ठीक है अलग अलग बैंक बनाएंगे लेकिन

ये थोड़ा आगे पीछे हो गया ये छह बैंक जो है ये बाद में किए गए और ये बैंक 1980 के अंदर 1969 में सॉरी 1969 में मर्ज किए गए तो ये पूरा बैंकिंग का इतिहास हो गया कि शुरू से लेके 1770 से लेके अभी तक क्या क्या बैंक वगैरह थे एंड ऑल चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ यहां तक कोई डाउट ट्रैक्टर फाइनेंस हुआ था हाँ, अब धीरे धीरे बैंकों के जो शेयर्स हैं सरकार धीरे धीरे उनको सेल कर रही है अभी अभी के बजट पर चार बैंकों के के चार बैंकों के उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है ना तो वो चीजें भी, भी चल रही है वो एक अलग मुद्दा है दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक चलिए तो पानी भी खत्म हो गया आज तो आज पानी भी खत्म हो गया खाना भी नहीं आया चलिए तो ये चौदह बैंक जो है इनका नेशनलाइजेशन हुआ अब ये तो हो गया पूरा बेसिक चीज बैंकिंग की अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि व्हाट इज आरबीआई या आरबीआई के क्या काम थे कैसे एस्टेब्लिश हुआ क्या क्या काम है आरबीआई के तो बहुत ही शॉर्ट रूप में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो तो आपको पता चलेगी ठीक है अब आरबीआई की बात करें जैसे मैंने आपको बताया था कि 1929-21 में, 1921 में कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया और इन तीनों बैंकों मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया तो 1921 ट्वेंटी वन से तक उन्नीस था 1934 तक भारत के अंदर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा था 1921 के पहले क्या था 1921 के पहले भारत में कोई भी जो सेंट्रल बैंक है या कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था केंद्रीय बैंक मतलब ऐसा बैंक जो भारत की पूरी मुद्रा प्रणाली पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है इसको मैनेज करे जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल बैंक है पाकिस्तान के अंदर बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मैनेज करता है अब क्या ही मैनेज करता है वो समझ नहीं आता पैसा तो है नहीं मैनेज क्या करेंगे चाइना के अंदर बैंक ऑफ चाइना है तो ऐसे नेपाल के अंदर नेपाल राष्ट्र बैंक है तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग बैंक्स हैं जो वो हर देश का अपना खुद का बैंक होता है ना खुद का अपना फेडरल बैंक होता है तो फेडरल बैंक को यहां पर आपको मैनेज किया जाता है हम्म ठीक है तो ये 1921 में उसको मर्ज किया गया उसको मिलाया गया उसके बाद जो पहले चेयरमैन मतलब बहुत सारे चेयरमैन थे लेकिन जो पहले चेयरमैन जो बने आरबीआई उसके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में तो उसमें एक व्यक्ति थे उनका नाम था बद्रीदास गोय का जो गोयंका फैमिली है उसको बिलोंग करते थे द फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले भारतीय चेयरमैन थे इंडियन पहले इंडियन चेयरमैन थे किसके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के ठीक है उसके बाद एक कमेटी बनी 1926 में उसका नाम था यंग कमीशन और ये हिल्टन यंग कमीशन ने यहां पर आपको बोला कि भारत के अंदर एक प्रॉपर तरीके से एक बैंकिंग की या फिर एक सेंट्रल बैंक जो है उस सेंट्रल बैंक की यहां पर आपको जरूरत है और उसके लिए फिर जो हिल्टन यंग कमीशन है इसका ऑफिशियल नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ठीक है या इसको शॉर्ट में बोलते थे हिल्टन यंग कमीशन इस कमीशन के जो मेंबर थे वो बी आर अम्बेडकर भी थे और उन्होंने जो किताब लिखी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी उस किताब से भी रेफरेंस लिए गए वो भी बहुत शानदार किताब थी भारत की रूपीज की भारत की जो मुद्रा प्रणाली है उसकी कई सारी समस्या उन्होंने बताई थी बट बत बेसिकली हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इसकी रिकमेंडेशन पे आपका जो आरबीआई है आरबीआई स्टेब्लिश किया अब उसके लिए फिर सरकार को कानून लाना पड़ा जैसे अभी किसी भी चीज के लिए कानून लाना पड़ता है ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हर चीज के लिए इस प्रकार से कानून लाना पड़ता था ठीक है तो आरबीआई एक्ट आया नाइनटीन में और ये आरबीआई एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ एक अप्रैल उन्नीस सौ पैंतीस ऑफ अप्रैल नाइनटीन से और नाइनटीन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो भारतीय रिजर्व बैंक है हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक तो ये भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली का एक तरीके से मेन जो रिसोर्स है या मेन जो पूरी आरबीआई को यहां पर आपको मैनेज करेगा पूरे बैंकिंग सिस्टम को भारत के अंदर आपको मैनेज करेगा या पूरी मुद्रा प्रणाली को मैनेज करेगा ठीक है तो पहले चेयरमैन थे ओसबन स्मिथ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरबीआई इन नाइनटीन उसके बाद पहले भारतीय चेयरमैन थे सी डी देशमुख ठीक है फिर कितनी कैपिटल दी शुरू में तो पांच करोड़ रुपए की जो कैपिटल है उसके साथ में 1934-35 में उसको शुरू किया विदाइव करोड़ ऑफ द टोटल कैपिटल पेडअप कैपिटल कल हेडक्वार्टर कहां पर था तो हेडक्वार्टर शुरू के अंदर कलकत्ता में था और 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ट्रांसफर किया 1937 से लेके अभी तक उन... मुंबई के अंदर ही है और आगे भी जो है वो मुंबई के अंदर ही आपको रहेगा तो कलकत्ता में पहले था वहां से मुंबई में ट्रांसफर किया गया ठीक है उसके बाद इसका जो लंदन ऑफिस था तो वो शुरू हुआ 1935 के अंदर और उन्नीस के अंदर यहां पर आपको बंद हो गया तो 1935 से लेके 63 तक एक ऑफिस लंदन के अंदर भी था वहां भी वो लोग मैनेज करते थे सिक्सटी में यहाँ पर आपको बंद हो गया आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बैंक को जब नाइनटीन में बंद किया गया तो उस समय से जो हमारा पैसा वहां पर था क्योंकि जब आजाद हुए तो आजाद होने के बाद भी बहुत सारा पैसा उधर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लंदन ऑफिस में था तो हमने बोला कि भैया हमारा पैसा दे दो हमारे देश का पैसा है वो बोले हाँ देते हैं करते हैं वो इतने मतलब बोलते ना कि सन देवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर कि वहां पे कभी सूर्यास्त नहीं होता था इतना बड़ा साम्राज्य था कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा साम्राज्य था अगर ईस्ट में सूरज डूबा तो वेस्ट में फिर से उग जाता था इतना बड़ा साम्राज्य था उन लोगों ने हमारा पैसा खा लिया उन लोगों ने क्या करा हमारा पैसा खा लिया किसने ब्रिटेन ने जो इतना बड़ा साम्राज्य था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रिटिश अंपायर और ये वो करके तो उनने हमारा पैसा खा लिया नेहरू जी पीछे पड़े पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो वहां गए बोला पैसा दो हमारा ना, तो कहा जाता है ऐसे ऐसे मतलब ऐसे एक बुक में मैंने पढ़ा था तो उसमें था कि वो एक बार उनसे जो उन मीटिंग हुई जो रॉयल बैंक ऑफ वहां का रॉयल बैंक है उनके साथ में और वो झल्ला के उनके पास चढ़ गए तुम क्या कर रहे हो साल हमारे ऊपर शासन किया पैसा भी नहीं दे रहे तो उनको ऐसा लगा कि यार पैसे दे देना चाहिए तो फिर उनको थोड़ी सी वो आत्मग्लानी हुई आ, अंग्रेजों को तो उन्होंने फिर अपना थोड़ा बहुत पैसा यहां पर आपको दे दिया उसके बाद फिर नेहरू जी लगे कि नहीं लंदन वाला ऑफिस बंद करो कुछ प्रॉपर्टीज फिर भी उन्होंने रख ली अल्टीमेटली फिर नाइनटीन में जो भारत सरकार के दबाव के कारण प्रेशर के कारण उन्होंने फिर अल्टीमेटली सब कुछ बंद करके जितना भी पैसा था उसमें से कुछ तो भी रख ही लिया उन्होंने कुछ सौ एक करोड़ रुपए उस समय रख लिया बाकी पूरा पैसा उन्होंने वापस दे दिया सौ करोड़ भी क्यों रखा कि हम लोग इसको मैनेज कर रहे थे उन्नीस से लेकर उन्नीस जो मैनेज उसका सौ करोड़ रुपया अब हम बोल रहे हैं हमको दे दो हमारा हमको नींद रखना तुम्हारे पास पैसा फिर भी नहीं हम धामी रखेंगे हम ही मैनेज करेंगे ये करेंगे वो करेंगे बड़ी मुश्किल से सौ करोड़ रुपया काट के उन्हें अपना बाकी पैसा यहां पर आपको दिया चोर है हाँ, तो दे दो चलो दे दो इंटरनेशनल प्रेशर भी यहाँ पर आपको बना होगा तो उन्होंने दे दिया कि छ को पैसा ले जाओ सबसे बड़ा था कि वो चाइना वॉर वगैरह हुआ तो बोले ठीक है पैसा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है तो तिरसठ में जाके वो ऑफिस बंद हुआ तब तक वो पूरा वहीं पर आपको मैनेज करते थे ठीक है उसके बाद नाइनटीन Uh, 1937 से क्योंकि 1937 में क्या उसके पहले भारत और बर्मा एक था बर्मा मतलब म्यांमार तो 1937 से लेकर 1947 तक उसने बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी आपको काम किया इट वगैरस बैंक ऑफ बर्मा बर्मा के राष्ट्रीय बैंक के रूप में क्योंकि उस समय क्या था बर्मा के पास अलग से बैंक नहीं था और एक कमीशन बना था इट्स साइमन कमीशन उसके रिकमेंडेशन पे बर्मा को भारत से अलग कर दिया म्यांमार जिसको बोलते तो बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी काम किया उसके बाद 1949 तक उन्नीस तक इसने बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में भी काम किया कि पाकिस्तान नया देश बना उनके पास अपना खुद का बैंक नहीं था तो अंग्रेजों ने प्रोविजन रखा कि यार तुम दो साल तक थोड़ा काम का देख, ले देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इतना तो कर ही सकते हैं है ना भाई अलग हो गया भाई नहीं मतलब दुश्मन अलग हो गया उस समय भाई था दुश्मन है दुश्मन अलग हो गया कोई बात नहीं दो साल तक तो मैनेज कर ही सकते दो साल तक हमने यहाँ पर आपको मैनेज किया ठीक है और अभी के टाइम पर उनकी हालत इतनी खराब है कि अगर उनको अगर भूख भी लगी खाना भी खाना है तो वो अमेरिका वालों को बोलेंगे भैया दो रोटी दे दो वो मना कर देगा कोई पैसे वैसे नहीं है फिर उसने आईएमएफ के पास जाएगा भैया दो रोटी दे दो वो बोलेगा तू ग्रे लिस्ट में है एक रोटी मिलेगी तो बेचारा एक रोटी लेता वही खाता है यहाँ पे फिर और बोले और भूख लगी है तो चाइना पे फोन करता है कि भैया एक रोटी और दे दो तो चाइना वाला ऐसे फेंक के दे देता है ये बेटा एक रोटी ले फिर आजकल ये है कि रशिया ने उधर से बोला ले तू 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 तो रशिया के पास चला गया

तो अब क्या करें अगर हमारे साथ में रहता तो उसकी स्थिति भी थोड़ी ठीक होती खाने पीने को तो मिल जाता उनको लेकिन खाने पीने को भी नहीं मिल रहा ओके okay. किसी को बुरा तो नहीं लगा ना किसी को बुरा तो नहीं लगा लगाना लगाओ तो बोल देना भैया ठीक है 1940 में उन्नीस सौ तक मतलब क्या आता है कि जो जो फाइनेंशियल ईयर होता है भारत के अंदर तो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक ना, एक मार्च से लेके इकतीस मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था वो था जुलाई से लेके जून तक

तब वहां तक, तक फंक्शन किया फिर तीस जून उन्नीस को उन्होंने अपना खुद का जो बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे बना लिया ठीक है अब अभी के समय पे आरबीआई के जो दो बेसिक फंक्शन है दो मेन काम है पहला मेन काम है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बैंक इन इंडिया भारत में बैंकों का विनिमय और उनका नियंत्रण करना जितने भी बैंक वगैरह भारत में है उनका पूरा कंट्रोल उनका पूरा मैनेजमेंट करना पूरा नियंत्रण करना ये आरबीआई का पहला काम है कोई भी बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं खुल सकती सभी बैंक के लिए पहले आरबीआई से परमिशन मिलती है और परमिशन मिलने के बाद ही वो बैंक यहाँ पर आपको घुल सकती है आरबीआई इतनी आसानी से किसी को परमिशन देता नहीं है ठीक है ये हम आगे देखेंगे इसके बारे में उसके बाद सरकार के बैंकर के रूप में काम करना है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के जितने भी बैंकिंग के काम है वो मैक्सिमम आरबीआई करता है जो भी लेन देन करना है भारत को लोन चाहिए तो इन लोगों की हेल्प से मतलब ये एक तरह से बीच में आ, बोलते हैं ना कि कि बीच में में एक तरीके से इंटर उसमें कोऑर्डिनेट करेगा भारत के साथ में कि हमको विदेश से पैसा चाहिए या जो भी लोन आ रहा है लोन देना है सब कुछ तो भारत के बैंकर के रूप में काम करेगा जितनी भी बैंकिंग प्रणाली भारत की है उसमें भारत सरकार की यहां पर आपको उसकी मदद करेगा यहां पर उसकी हेल्प यहाँ पर आपको करेगा ठीक है तो ये भारत के अंदर मेन उसके यहाँ पर आपको मेन काम है ठीक है उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है बीच में थोड़ा सा बीच में ये चीज आपको आ गई कि अब Uh, इसको चलो हम आगे देख लेंगे ठीक है अब इसको हम आगे देख लेंगे प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग मैं आपको आगे बता दूंगा ठीक है बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाएगा अब आरबीआई के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या आरबीआई का गठन कैसे हुआ कौन कौन मेंबर यहां पर आपको है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसका जो संगठन है तो पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं है ना कुछ डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स में कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं एक उसमें गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं ठीक है तो सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीबीडीज होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर ये मेन डायरेक्ट जो कंट्रोल करते हैं उसमें ऑफिशियल में एक गवर्नर और एक राज्य जो गवर्नर मतलब हिंदी में भी गवर्नर ही बोलते हैं और चार जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं ठीक है उसके बाद कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं गैर सरकारी सदस्य होते हैं ठीक गैर ऑफिशियल सदस्य होते हैं फिर उसके बाद जो चार जो आरबीआई के चार लोकल बोर्ड है फोर लोकल बोर्ड जो अंग्रेजों के टाइम पर स्टेब्लिश हो गए थे वो है मुंबई कलकत्ता चेन्नई और दिल्ली तो चार जो लोकल बोर्ड्स हैं इन लोकल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो शामिल होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिर दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे चार साल के लिए सरकार अपने दो लोगों को यहाँ पर अपॉइंट करेगी उसके मैनेजमेंट के लिए तो दो सरकारी लोग हो गए फिर दस डायरेक्टर हो गए फ्रॉम द रीजन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट सरकार ने कोई दस अलग अलग जो क्षेत्र है उनसे दस डायरेक्टर जो है वो सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक ऑफ डायरेक्टर बन गया ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द फोर लोकल बोर्ड दो गवर्नमेंट ऑफिशियल और दस जो है डायरेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ठीक है फिर एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर फिर लोकल बोर्ड है स्थानीय बोर्ड है स्थानीय बोर्ड होता है ठीक है तो स्थानीय बोर्ड से जो भी अपॉइंटमेंट है उससे यहां पर आपको होता है पांच मेंबर जो होते हैं वो आपके आ, पांच पांच मेंबर उसके अंदर लोकल बोर्ड के अंदर यहां पर आपको अपॉइंट होते हैं तो इस प्रकार से दो सिस्टम जो है दो अलग अलग जो बोर्ड है या सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर और लोकल बोर्ड दो बोर्ड यहां पर आरबीआई के अंदर आपको बनाए गए ठीक है अब अभी के टाइम पर अगर हम यहाँ पे आपको बात करें तो आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा तो फुल टाइम गवर्नर होगा ऑफिशियल डायरेक्टर जो फुल टाइम गवर्नर होगा साथ में चार जो है वो डिप्टी गवर्नर यहाँ पर आपको होंगे तो चार से ज्यादा जो गवर्नर है वो आरबीआई में नहीं हो सकता नॉट मोर देन फोर तीन चार दो एक कितने भी हो सकते हैं चार से ज्यादा जो गवर्नर है चार से ज्यादा गवर्नर आरबीआई के नहीं हो सकते हैं उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर आपको हो गए जो सर, सरकार के द्वारा दस जो डायरेक्टर हैं वो अलग अलग फील्ड से अपॉइंट किए जाएंगे और दो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है board, चार अलग -अलग थे, अभी बताया था, तो वही कलकत्ता चेन्नई मद्रास और मुंबई कलकत्ता चेन्नई और नई दिल्ली तो इनसे चार अलग अलग और डायरेक्टर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट आपको होगा तो ये एक तरीके से आरबीआई का आरबीआई का संगठन हो गया आरबीआई के अंदर कौन कौन लोग यहां पर आपको शामिल है ठीक है इसको एक बार फिर से देख लो ये अच्छा ये थोड़ा सा ये यहां पे खत्म हो गया ये यहां पे कनेक्टेड है ये ये बीच में ब्रेक नहीं हो पाया ये यहां पे खत्म हो गया लोकल बोर्ड में दिल्ली मुंबई ये चार लोकल बोर्ड है और फाइव मेंबर्स इन ईच बोर्ड चार चार साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये यहां पर है ये दोनों अलग है इसको मैं ठीक कर दूंगा तो मत होना इसमें इसको देख लो अच्छे से चलिए ओके तो ये तो बात होगी उसके कॉन्स्टिट्यूशन की अब आरबीआई के फंक्शंस क्या है कार्य क्या है तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है आरबीआई का वो है मॉनिटरी अथॉरिटी या भारत की जो मौद्रिक नीति है उस मौद्रिक नीति को बनाना मौद्रिक नीति का मतलब आगे मैं उसको बताऊंगा मौद्रिक नीति का सिंपल सा यहां पर आप मतलब समझो कि देश में जो देश की इकोनॉमी है या देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी मनी सर्कुलेशन में है कितने पैसा प्रवाह में है ना कितना पैसा और चाहिए हमको कितना पैसा कम करना है तो वो पूरी मौद्रिक नीति के अंदर या मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आपको किया जाता है ठीक है दो मेन पॉलिसीज होती है सरकारों की एक होती है फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इस फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत जो बजट है बजट वगैरह वो प्रस्तुत किया जाता है, है फिजिकल पॉलिसी के अंदर और जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है, उसे भारत का जो पूरा है या जो फ्लो ऑफ मनी इन दार्केट है उसको मैनेज किया जाता है जैसे भारत में मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है तरलता कितनी है तो अगर, ज, अगर मार्केट में अगर ज्यादा पैसा होगा एक कंसेप्ट समझ लो कि मार्केट में अगर मनी है अगर मार्केट में मनी ज्यादा है पैसा ज्यादा है कैश ज्यादा है तो क्या होगा लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे लोग खर्च ज्यादा करेंगे लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा महंगाई है महंगाई यहां पर आपको बढ़ेगी तो धीरे धीरे अगर महंगाई बढ़ती गई तो सरकार क्या करेगी कि बोल रहा है कि मार्केट महंगाई क्यों बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी सरकार आरबीआई क्या करेगी आरबीआई मार्केट से जो पैसा है उस पैसे को वापस सोख लेगी उसको सोप कर लेगी उसको खींच लेगी उसको रीइेक्ट कर लेगी तो वापस मार्केट से पैसा लिया मार्केट से वापस पैसा लिया तो मार्केट के अंदर पैसे की कमी हो गई पैसे की कमी हो गई बैंक के पास में मार्केट के अंदर वहां पर पैसे की कमी हो गई तो जब लोग लोन लेने जाएंगे तो उनको लोन नहीं मिल पाएगा आसानी से जब लोन नहीं मिलेगा या पैसे की कमी हो जाएगी तो लोग खर्च कम करेंगे खर्च कम करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिक आपको डाउन हो जाएगी धीरे धीरे आपको डाउन हो जाएगी तो आरबीआई का जो मेन काम है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना या महंगाई कंट्रोल करना मुद्रास्फीति कंट्रोल करना ये भी आरबीआई का मेन काम है तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी दोनों पॉलिसीज यहां पर आपको होती है ठीक है तो उसके लिए आगे पूरा बताऊंगा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी वगैरह सब आगे आएगा तो उसको मैनेज करना उसके बाद पूरी मौद्रिक नीति समिति है तो 2016 में अलग से एक मौद्रिक नीति समिति बनी वो अपन अलग से चर्चा करेंगे ठीक है तो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है मॉनेटरी अथॉरिटी है

बैंक्स की संख्या भी भारत में बहुत कम है क्योंकि हमारे पास एक लंबा चौड़ा इतिहास है बैंकों के फेल होने का बैंकों के डूबने का बैंकों के एंड होने का या बैंकों के मतलब दिवालिया होने का तो इसलिए आरबीआई बहुत समझ समझ सोच समझ के बहुत ही माइन्यूटली देखने के बाद किसी को बैंकिंग का लाइसेंस देती है तो ये आ, आ, लाइसेंस इश्यू करना फिर बैंकों की जो ब्रांच है उनका एक्सपांशन करना खर अब ये जो काम है ब्रांच एक्सपांशन का काम ये आरबीआई नहीं संभालता पहले आरबीआई होता है कि आपको कहीं भी अगर बैंक स्टैब्लिश करना है कहीं ब्रांच स्टेब्लिश करना है तो आरबीआई को सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ती थी इवन एटीएम तक स्टैब्लिश करने के पहले आरबीआई को बताना पड़ता था कि फलानी जगह में हमने एटीएम बना रहे फिर आरबीआई उसको अप्रूव करती थी फिर एटीएम या नई ब्रांच होती थी अब थोड़ा सा बोल बोल बैंकों को दिया कि आप अपने हिसाब से कर लो और एनुअल रिपोर्ट में हमको बता देना कि कहां कहां पर आपने किया टाइम टू टाइम हमको अपडेट करते रहना तो अब आरबीआई उसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे आपको सेटल हो गई फिर जो लिक्विडिटी ऑफ द एसेट संपत्तियों की जो लिक्विडिटी है उनकी तरलता है वो तरलता को मैनेज करना मतलब मार्केट में कितना पैसा है बैंकों के पास कितना पैसा है

Hmm. <laughs> तो जो भी अमल कमीशन है सरकार ने बोल दिया अमल कमीशन करने का बैंकों को मिलाने का लेकिन आगे जाके जो बैंक है वो अमल कमिट सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको किए जाएंगे मतलब जो आरबीआई है उसके द्वारा अमल यहाँ पर आपको किया जाएगा उसके बाद जो भी बैंक में डिपोजिटर वगैरह है जो भी पैसा जमा करते हैं तो उनके राइट्स की या उनके हितों की रक्षा करना उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना आप अगर अभी बैंक में जाके पैसा जमा करोगे तो वट अमाउंट यू हैव टू डिपोजिट उसमें से पांच लाख रुपए की जो है वो सिक्योरिटी कल से बैंक में डाका पड़ गया लूट वूट हो गई तो कोई पैसा चुरा के

सरकार मतलब ये कमेटी पहली आ गई थी चौदह मई आपको आ गई थी तो दो के अंदर एक कमेटी कमिटी बनाएगी इट्स तो पटेल कमेटी। अब अभी क्या था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ठीक है एसएलआर, सीआरआर ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। अब ये सब जो टर्म्स हैं, वो यूज की जाती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं के माध्यम से जो आरबीआई क्या करता है मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है या जो मुद्रास्फीति है उस मुद्रास्पीति को नियंत्रित करता है अब इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए अः अब ये था कि आरबीआई अभी तक कंट्रोल कर रहा था आरबीआई कंट्रोल कर नहीं पा रहा था 2015-16 तक क्या था कि 15-16 तक जो इन्फ्लेशन थी वो 8-9 परसेंट तक पहुंच गई थी 15 के अंदर तो यह हाल था कि 9 परसेंट तक इन्फ्लेशन पहुंच गई तो इन्फ्लेशन हमको कंट्रोल करना है अब इन्फ्लेशन करने कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी आरबीआई की अब आरबीआई क्या करता था कि अपने मन रेपो बढ़ा दिया रिवर्स रेपो बढ़ा दिया अपने हिसाब से सब चीजें करता था तो सरकार ने उनको बोला कि अगर आप ये सब मैनेज करते हो बुला करते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के की जिम्मेदारी किसकी है उसने बोला हमारी है ऑब्वियसली बात क्योंकि हम पूरा कंट्रोल करते हैं तो क्यों नहीं तुम्हारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कानूनी जवाबदारी हो आरबी बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं कानूनी जवाबदारी नहीं हो सकती उनका बोलना भारत सरकार का बोलना था कि हमें कानून बनाते हैं और कानून बना के हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आपको तय करते हैं तो उन्होंने बोला ठीक है कर सकते हैं ऐसा तो उसके बाद जो आरबीआई एक्ट था 1934 उसमें अमेंडमेंट किया उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद एक मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक समिति बनाई गई उसमें सरकार के साथ में आरबीआई तो थी थी साथ में सरकार के मेंबर भी थे और इन दोनों दोनों ने ने मिलकर सरकार और आरबीआई जिम्मेदारी ली कि हमको जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उसको नियंत्रित करना अब कहा कितना नियंत्रित करना है तो दोनों उस समय टारगेट रखा था दो में कि ये जो इन्फ्लेशन है इसको हमको रखना है फोर प्लस माइनस टू कब तक रखना है फोर प्लस माइनस टू दो हजार पहले 20 में था 22 तक कर दिया तो 2022 1 एक अप्रैल 2022 तक हमको उसको 4 प्लस माइनस 2 तक आपको लेके जाना है 4 प्लस माइनस 2 का मतलब है दो परसेंट से लेके छह परसेंट तो एक तो ये चीज हो गई कि दो परसेंट से छह परसेंट के बीच अगर इन्फ्लेशन रहेगी मुद्रास्फीति रहेगी तो मुद्रास्फीति की हालत अच्छी है अच्छी है अगर दो से कम होगी तो भी दिक्कत होगी है ना मतलब इन्फ्लेशन कम होना भी समस्या है ज्यादा होना तो है ही है इन्फ्लेशन कम होना भी समस्या है कैसे समस्या है अगर इन्फ्लेशन कम है मुद्रास्पीति अगर कम हो गई दो पे चली गई एक पे चली गई जीरो पे चली गई, गई माइनस में चली गई है ना चीजें सस्ती होने लग गई और तो अगर वो जीरो पे या माइनस में चली गई तो क्या होगा कि मुद्रास्पीति मतलब क्या कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं लोग ज्यादा खरीद रहे हैं अगर इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है दो के नीचे और जहां पर आपको जा रहा है इसका मतलब कि लोग जो है वो खर्च नहीं कर रहे एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे हो सकता लोगों के पास पैसा नहीं हो सकता लोगों का मार्केट के विश्वास नहीं हो कि भाई मार्केट में पैसा मिलेगा तो दोनों कारण हो सकते या तो इंटरेस्ट नहीं हो या मतलब विश्वास नहीं हो बैंकों के ऊपर या देश के ऊपर हो सकता है कि कोई और लोगों का पैसा ही नहीं हो तो अगर वो कम होगा तो क्या होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में भी तकरीबन दो हजार के समय में उन्होंने लोगों को बोला कि तुम लोन ले जाओ इंटरेस्ट नहीं चाहिए तुम लोन ले जाओ इंटरेस्ट फ्री लोन ले जाओ लोग बोले नहीं ले जाए हम देंगे कहां से पैसा ही नहीं हमारे पास में तो ब्रिटेन में तो लोगों को ऐसे इंटरेस्ट फ्री लोन देना शुरू कर दिया कुछ लोग ले भी गए कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं चाहिए आगे पैसा कहां से लाएंगे तो वो वो स्थिति आ गई तो भारत में वो स्थिति न आए इसके लिए टू प्ला, फोर प्लस माइनस टू का जो रेंज है वो रेंज रखा गया अभी तो इन्फ्लेशन सेवन के पार जो है वो निकल चुकी है ठीक है तो ये उन दोनों की जवाबदेही यहां पर आपको हो गई कि तुम लोगों को किसको पूरी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका काम है यहां पे भारत के अंदर जो जो भारत के अंदर जो मुद्रा है उस मुद्रा को यहां पर आपको तय करना ये 2022 है तो इसको यहां पर जो भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो आपको पूरा यहां पर आपको तय करना अब जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है ना इसके अंदर कौन था तो चेयरमैन कौन है तो आरबीआई के जो गवर्नर है आरबीआई के जो राज्यपाल है मतलब राज्यपाल क्या गवर्नर ही बोलेंगे तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो क्या होंगे वो उसके चेयरमैन होंगे एक आरबीआई का मेंबर होगा एक आरबीआई का सदस्य होगा एक और आरबीआई का मेंबर होगा एक गवर्नमेंट का मेंबर होगा और एक और गवर्नमेंट का मेंबर होगा जिस तरीके से और एक गवर्नमेंट का मेंबर एक और होगा तो ऐसे करके तीन किसके हो गए तीन आरबीआई के हो गए और तीन सरकार के हो गए तो तीन तीन करके छे तो छह मेंबर की एक बॉडी बनेगी ये एक पैनल यहाँ पे बनेगा बेस थ्री मेंबर फ्रॉम द आरबीआई एंड थ्री मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐसे करके छह मेंबर की एक जो कमेटी है वो कमेटी बनेगी और ये कमेटी तय करेगी कि मुद्रा जो मुद्रा मौद्रिक नीति है वो कितनी होगी एस एल आर सी आर आर एस आर आर ये सब सी आर आर एस एल आर ये सब चीजें कितनी होगी तो ये कौन तय करेगा ये तय करेगा बैंक ना ये स्पेशली आपका जो मदरी सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है एमपीसी है ये तय करेगी अब तीनों की बराबर बराबर हो गई लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे जो आरबीआई के गवर्नर है अब तीन तीन लोग हैं तो तीन तीन में क्या हो गया वीटो हो गया बराबर आपको हो गया अभी क्या करेंगे तो इन केस में जो वीटो पावर है वो गवर्नर के जो चेयरमैन है उनके पास या गवर्नर के पास आपको होता है तो अगर दोनों के बीच में अगर ऐसा हो गया कि टाई हो गया क्योंकि तो तीन तीन मेंबर है टाई हो गया तो उस केस में जो फाइनल डिसीजन है वो आरबीआई के जो गवर्नर है वो आरबीआई के गवर्नर यहाँ पर आपको लेंगे ये तो सरकार की बात लेके आएंगे ना ये बोलेंगे मार्केट में और पैसा बढ़ाओ ताकि लोग खर्च कर सके फिर भारत की जीडीपी बढ़ सके वगैरह वगैरह लेकिन आरबीआई का जो मेन कंसर्न है वो यहां पर यह है कि नहीं हमको बैंकिंग जो है उसको मैनेज करना हमको मुद्रा स्पीति है उसको मैनेज करना है इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो तीन तीन मेंबर की जो कमेटी है वो कमेटी यहां पर आपको बनाई जाती है ठीक है उसके बाद आरबीआई का एक और काम है इसको हम आगे और देखेंगे कि उसके कौन कौन से टर्म्स होती है वो आगे देखेंगे उसके बाद जो फॉरन एक्सचेंज है भारत में जो विदेशी मुद्रा है उसको मैनेज करना अभी भारत में सिक्स बिलियन से ज्यादा विदेशी मुद्रा हो चुकी है ठीक है तो भारत में जो भी विदेशी मुद्रा है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है उस फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करना इसमें क्या क्या चीजें होती है वो भी हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको शामिल होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको विदेशी मुद्रा जो है उसका भंडारण यहाँ पे करना उसको मैनेज करके रखना उसके बाद एक्सटर्नल जो ट्रेड है जो भारी व्यापार है या जो पेमेंट वगैरह है बैंक्स का उसको मैनेज करना जैसे हमको किसी किसी दूसरे देश को पैसा पे करना है हमने अमेरिका से कुछ खरीदा इंपोर्ट किया तो हमको उसके बदले उसको हंड्रेड मिलियन डॉलर देना है या उससे लेना है तो सब कुछ आरबीआई के थ्रू उसका पूरा मैनेजमेंट या उसका पूरा प्रबंधन है उसी के माध्यम से यहाँ पर आपको होता है ठीक है उसके बाद भारत का जो भी जो भी रुपी है तो रुपी का जो भी वैल्यू वैल्यूएशन वगैरह है वो सब चीजें हैं कि रूपीज की वैल्यू कितनी होगी वो सब आरबीआई मैनेज करता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो भारत के अंदर करेंसी जारी करना है ना करना मतलब जो नोट है वो नोट जारी करने का इसका मेन काम है तो भारत में जो भी करेंसी है जो भी प्रिंटिंग नोट है वो आरबीआई के द्वारा यहाँ पर आपको जारी किया जाता है ठीक है तो इश्यू एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द करेंसी नोट और क्वन है वो सब कौन करेगा आरबीआई करेगा आरबीआई नोट छापेगा तो क्या आरबीआई अपनी मर्जी से

रिजर्व सिस्टम ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपया इसके अंदर आपको होता है 200 तो करोड़ और ये 200 करोड़ रुपया कौन देता है सरकार देती है और सरकार उनको बोलती है कि भैया पैसा छापो नोट छापो ठीक है फिर आरबीआई जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम उसमें जो अमाउंट है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट वगैरह है या जो भी नोट वगैरह नोट वगैरह प्रिंट करते हैं तो मिनिमम है तो अगर आरबीआई जैसे पैसे की कमी है कोई गरीब है भारत में कितनी गरीबी है अगर बहुत गरीबी है तो सरकार ये क्यों नहीं करती कि बहुत सारे नोट छाप दिए है ना सब व्यक्ति को नोट छाप दिए और सबको जाके पांच पांच लाख रुपया दस दस लाख रुपए सबको बांट दिया जाओ बेटा खर्च करो जाओ खर्च करो सबको दस दस लाख रुपए दे दिया भारत की गरीबी ऐसे खत्म हो जाएगी चुटकियों में हो जाएगी हो जाएगी ना हो होगी कि नहीं होगी सारे नोट छाप दिए सबको पैसा बांट दो गरीबी खत्म क्यों सरकार परेशान होती है इतना सही है ना सही तरीका है फिर अभी क्या कमेंट क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे आए हैं गंगा गोल्डी की रुपीज की वैल्यू गिर जाएगी वो तो वैसे ही गिर रही रोज ठीक है तो ऐसा नहीं होता है ठीक है जितना ज्यादा पैसा होगा व्यक्ति उतना खर्च करेगा एग्जाम्पल के लिए कि मैंने विनय को बोला बेटा विनय इधर वेरी गुड तो अच्छा बच्चा है एक काम कर तू ये सौ रुपया ले जा है ना जाके खर्च कर वो खर्च करके आ गया फिर उसको मैंने बोला ले बेटा सौ रुपये और ले जा और खर्च करके ये तेरे पास रख ले जब दो सौ रुपया उसके जेब में यहां पर आपको होगा तो विनय क्या करेगा विनय जाके पूरा दो सौ रुपया आपको खर्च कर देगा है ना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देगा ज्यादा मनी है सौ रुपये रहेगा तो पैसे को मैनेज करके रखेगा नहीं सौ रुपये सर ने दिया है सौ रुपये ही खर्च करना जब दो सौ रुपया उसको मैं दे दूंगा तो बोलेगा नहीं खर्च करो जितना खर्च कर सकता उतना खर्च करो तो जितना पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा जितना करेंसी नोट ज्यादा आएगा उतना व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा और उससे रुपये की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आपको गिर जाएगी कैसे गिर जाएगी एग्जाम्पल के लिए कि पहले आ, आ, पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पहले कोई भी चीज जैसे एक किलो जो चावल है वो एक किलो चावल दस रुपए में आते थे ठीक है अब वही एक किलो जो चावल है वो पंद्रह रुपए में आपको आएंगे फिर पच्चीस रुपए हो, हो जाएंगे मतलब लोगों की जो परचेसिंग जो कैपेसिटी है वो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा जाके खर्च करेंगे ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो लगातार डिमांड बढ़ती जाएगी मांग बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से सप्लाई नहीं होगा तो उससे जो प्राइजेस है वो प्राइजेस बढ़ती जाएंगे जब एक दस रुपए के अंदर एक किलो चावल आ रहे थे अभी पंद्रह रुपए में एक किलो चावल आ रहे हैं फिर उसकी प्राइस बीस रुपए आपको हो जाएगी तीस रुपए हो जाएगी मतलब क्या जो प्राइजेस है वो प्राइजेस बढ़ती जाएगी प्राइस बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है है रुपीज रुपीज जो की वैल्यू यहां पर आपको घट रही है। पहले एक रुपए में एक चॉकलेट आती थी अब दो रुपए में एक चॉकलेट आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि रुपीज की तो वैल्यू घट गई ना पैसे की वैल्यू घट गई महंगाई यहां पर आपको बढ़ गई जैसे अभी बहुत सारी चीजों की प्राइस बढ़ रही है आपके ऑयल की प्राइस बढ़ रही है खाने के तेल की प्राइस बढ़ रही है नींबू की प्राइस घट रही है लोगों को नींबू से बड़ी दिक्कत है कि नींबू की प्राइस बढ़ रही है पता नहीं नि उनको नींबू ही क्यों चाटना है ये समझ नहीं आ रही मुझे कि जिसने अभी तक नींबू नहीं खाया होगा एक साल से नींबू नहीं खाया दो साल से नींबू नहीं खाया होगा लेकिन उसको अभी महंगा होगा तो अभी नींबू खाना है वीडियो आ रहे हैं मैं नींबू नहीं खा पा रहा अरे भाई इसके पहले कब खाया था तूने तो ये तो बता दे मैंने नींबू नहीं खाया मैं बहुत साल से एक साल हो गया नींबू खाए हुए तो अब मैं जाऊंगा लेने कितने का भाई बोलेगा दस रुपए का एक नींबू है हार महंगाई है ना दस रुपये का नींबू हो गया तो लोग नींबू जैसी चीज के ऊपर अभी सिर पीट रहे है ना ऑयल ऑयल पेट्रोल प्राइस यहां तक तो ठीक था अब नींबू पे सिर पीट रहे जिन्होंने कभी नींबू नहीं खाया या जनरली नींबू नहीं खाते उनको अभी नींबू खाना है अभी चाटना है उनको है ना मतलब समझ जाओ ना कौन नींबू चाटता है अंडरस्टैंड ठीक है तो वो चीज है तो ये आ, सर्कुलेशन वो उसको मैनेज यहां पर आपको करना जितना लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा उतना लोग ज्यादा खर्च करेंगे इसलिए जो ब्लैक मनी होती है कालाधन होता है वो कालाधन भी बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वो मार्केट के अंदर आपको नहीं है किसी के पास बहुत सारा काला जैसे मेरे पास बहुत सारा कालाधन आ गया बहुत सारी ब्लैक मनी आ गई तो मैंने क्या करा चलो ब्लैक मनी आ गई अब काम करते हैं क्या करते हैं चलते हैं और जाके एक आईफोन ले आते हैं तो मैं डेढ़ लाख रुपए का आईफोन ले आया मैंने अभी पैसे बच गए अब क्या करें मैंने भाई एक आईपैड भी दे दे वो भी दे दिया एक ईयरबड दे दे एक वो एप्पल वाली वॉच है एप्पल वाली वॉच दे दे उसने वो भी यहाँ पर आपको दे दी चार पांच लाख रुपए खर्च करके आपको आ गया तो ये क्या था कि पैसा अगर एक्स्ट्रा है या ब्लैक का पैसा है या ऐसा पैसा है तो जाके व्यक्ति ने खर्च कर दिया चार पांच लाख रुपए का सामान खरीद खरी लिया गया अननेसेसरी खरीद लिया बिना जरूरत के आपको खरीद लिया इसका मतलब क्या कि वो जब बिका तो इन्फ्लेशन बढ़ गई महंगाई बढ़ गई चीजें और महंगी हो गई तो ऐसे करके इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है जितना आपके पास में ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन यहां पर आपको बढ़ती जाएगी इसलिए सरकार चाहती है कि तुम पैसा तुम्हारी जेब में कम रहे बैंक में ज्यादा रहे तो सरकार बोलती है बैंक में पैसा रखो तुमको वो देंगे क्या बोलते हैं तुमको इंटरेस्ट देंगे तुम एफ करा लो और इंटरेस्ट देंगे तुम पीपीएफ में डाल दो और इंटरेस्ट देंगे तुम सरकार के बॉन्ड खरीद लो और इंटरेस्ट देंगे एल में पैसा रख दो तुमको टैक्स में छूट दे देंगे डेढ़ लाख रुपए की टैक्स की छूट जो है एटीसी करके एक सेक्शन है आपके इंडियन आपका आईटी एक्ट का उसमें डेढ़ लाख रुपए तक की लिमिट होती है डेढ़ लाख रुपए तक आप अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे है ना एल या कहीं पर भी उसमें आपको छूट मिल जाएगी आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया तो पच्चीस रुपए तक की वहां पर आपको छूट मिल जाएगी ऐसे करके कई सारी जो छूट है कई सारी आपके जो रिबेट है वो रिबेट आपको मिल जाएगी तो ये क्या होता है वो लोगों को और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करती तुम और इन्वेस्टमेंट करो या जितना इन्वेस्टमेंट करेंगी अभी जो एल के अंदर या कोई भी और कंपनी में आप जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुमने कर दिया वो पैसा फिर बैंक सरकार उनको बोलती है एलआईसी वाले को कि तो हमारे पास इतना पैसा आ गया इतना लोन हमको दे दो तो वो हम जो एल को देते हैं प्रीमियम के रूप में वही पैसा वो उठा के बैंकों को लोन दे देती है कंपनीज को लोन दे देती है तो वो लोन में दे दिया वहां से सरकार चल रही है ये पूरा तंत्र आपको स्टेब्लिश हो गया तो इसलिए इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहिए उसके बाद जो कॉइन है सिक्के हैं तो सिक्के जो है वो भारत सरकार मिंट करती है है ना अब ये तो बता दिया कि जो नोट है नोट के अंदर क्या है करेंसी नोट के अंदर कि इनके अंदर एक जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से वो प्रिंट करते हैं कि लिमिटेड नोट ही प्रिंट करेंगे बट जो सिक्का होता है जो कॉइन होता है अब कॉइन में क्या होता है मेटल उसमें एक धातु होती है अब कोई भी अगर सिक्का है जैसे एग्जाम्पल दस रुपए का सिक्का है अब इस दस के सिक्के में वैल्यू है तो इस दस रुपए के सिक्के में दस रुपए का मेटल है तो इसलिए सरकार को गारंटी की जरूरत नहीं सरकार जितने चाहे उतने सिक्के जो है उतने चाहे सिक्के यहां पर आपको मिंट कर दे उतनी टक्साले बना के सिक्के मिंट कर दे बट सिक्कों को मैनेज करना उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है जैसे किसी के बहुत सारे सिक्के मैं गया मार्केट में मुझे कार खरीदनी है अब कार कितनी की कार तेरह लाख रुपए की मतलब तेरह लाख रुपए के अगर सिक्के ले जाऊंगा तो मेरे को अलग से एक टाटा मैजिक किराए पे करना पड़ेगी और किराए के टाटा मैजिक में मैं अपने सिक्के ले जाऊंगा फिर तो वो ऐसा थोड़ी गिनता रहेगा पूरे टाइम गिनता रहेगा तो जो सिक्के हैं वो मिनिमम तरीके से यहाँ पर आपको मिंट किए जाते हैं ताकि रुपी सर्कुलेशन वगैरह क्योंकि जो जो करेंसी नोट है वो खराब हो जाता है कुछ टाइम में कुछ उसकी एक एज होती है सिक्का लंबे समय तक आपको चलता रहता है तो सरकार छोटे मूल्य के जो सिक्के हैं वो भी मिंट करती है एक दो पांच दस और बीस पांच तरह के सिक्के जो है सरकार मिंट करती है वन टू फाइव टेन और ट्वेंटी ठीक है पहले के साइन पे चौबन्नी अठन्नी बाराना ऐसे भी कई सारे सिक्के उसके पहले एक पैसा दो पैसा ऐसे भी मिंट होता था वो सब चीजें भी आपको होती थी तो ये सरकार जो है उनके मिंटिंग का काम करती है ठीक है अब उसके बाद जो आरबीआई है ना वो जो भी यहाँ पर आपको काम है तो मिंटिंग जो है भारत में चार जगह होती है एक मुंबई में यहां पर मिंटिंग है एक नोएडा में है एक कलकत्ता में है और एक हैदराबाद में है तो चार जगह भारत के अंदर मिंटिंग होती है तो सिक्के पे मिंट किए जाते हैं ढाले टकसाले हैं ढालने के लिए मुंबई नोएडा uh, कलकत्ता और हैदराबाद है ना चार जगह पे हैदराबाद तेलंगाना तो चार जगह पे अभी तक भारत के अंदर जो मिंटिंग है वो मिंटिंग होती है फिर नोट प्रिंट करने के लिए नोट प्रिंटिंग मशीन है तो प्रिंटिंग के लिए भारत में दो कंपनियां है ना एक है सिक्योरिटी

एल ठीक है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई का तो दोनों नोट आरबीआई प्रिंट करेगा सब कुछ वही करेगा सब कुछ वही करेगा लेकिन दो कंपनियां एक सरकार की कंपनी है नोट छापने की जो आरबीआई ही मैनेज करता है सरकार के शेयर ज्यादा है और ये आरबीआई की खुद की है तो ये मैसूर और आपका सलबोदी वेस्ट बंगाल तो देवास नासिक मैसूर और सलबोनी चार जगह पे भारत के अंदर जो नोट है या जो आपके नोट है वो नोट यहाँ पे आपको प्रिंट होते हैं है ना कौन कौन से एक दो पांच तो बंद हो गया दस बीस पचास सो 500 और 2000 पहले हजार का आता था वो बेचारा अब एक्सपायर हो गया है ना भगवान उसकी आत्मा को शांति दे तो ये चार जगह पे ये नोट भारत के अंदर आपको प्रिंट होते हैं अब जो नई सीरीज नोट की आई है स्पेशली 2016 के बाद तो उसके अंदर कई सही चीजें यहां पर ये भी कई बार एग्जाम में आपको आ जाता है तो दस का जो नोट है उस पर कोणार्क का सन टेम्पल है सूर्य मंदिर बना है कोणार्क का मेरे पास तो पुराने नोट है हाँ ये है ये का नोट है इस टेन रुपीस के नोट पे आप आप देखोगे तो पर पे कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो सन टेम्पल यहाँ पर आपको बना हुआ है कोणार्क तो का सूर्य मंदिर बना है उसके बाद बीस रूपए का नोट है जिसके ऊपर एलोरा एलोरा की जो केव्स है एलोरा की केव्स बनी है फिर पचास रुपए का नोट है इसके ऊपर हम्पी का जो पूरा हम्पी का जो मंदिर है चैरियट है हम्पी का जो रथ है तो हम्पी का रथ बना हुआ है फिर सौ रुपए का नोट है तो उसमें रानी की वाव बनी है रानी तो 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 की वाव कहां पर है गुजरात के अंदर आपको है ये हंड्रेड रुपीज का नोट है इट कंसिडर रानी की वाव है ना ये पीछे आपको दिख रहा है तो रानी की वाव यहां पर आपको उसके अंदर है उसके बाद दो सौ का नोट है तो सांची स्तूपा बना हुआ है भारत अपने रायसेन का उसके बाद पांच सौ का नोट है उस पर रेड फोर्ट लाल किला बना हुआ है और दो का नोट है उस उसपे मंगलयान बना हुआ है तो इसका भी कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि यही क्यों है उसका कुछ था कुछ रीजन था उसका तो एक तो ये था कि सांची का जो 1900 नहीं शायद ऐसा कुछ था कि 1818 18 में सांची का मतलब सांची को पहली बार डिस्कवर किया देखा गया था शायद उसका था फिर रेडफोर्ड की भी 500 साल ऐसे कुछ था उसका मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे भी एक बंदे ने बताया था इसके बारे में नहीं हमको तो अभी खाना है दो हजार नहीं है यार दो हजार नहीं है इतने बड़े नोट दो हजार का नोट आपने आखिरी बार कब देखा था ये बताओ आपने दो हजार का नोट आखिरी बार कब देखा था सभी लोग कल देखा था मैंने तो बहुत टाइम से नहीं देखा बहुत टाइम हो गया उसका रीजन ये है रीजन ये की दो हजार के नोट अब सरकार ने छापना बंद ही कर दिया आप जब भी एटीएम से पैसे निकालोगे ना तो आपको दो हजार का नोट कभी नहीं निकलेगा जब भी आप जाओगे पांच सौ का ही नोट निकलेगा ऐसा मतलब सरकार ने धीरे धीरे दिर दो हजार का जो नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर ही कर दिया सरकार उसको छाप ही नहीं रही है आरबीआई में छापी नहीं रहा है तो वो नोट सर्कुलेशन से बाहर आ गया जब भी आप निकालोगे तब आपको नहीं मिलेगा मैं तो पता मतलब जरूरत नहीं पड़ती कैश की इतनी पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको होता है तो पैसे की जरूरत बहुत कम पड़ती है इतनी कम कि कई बार तो ऐसा होता है कि छह छह दिन तक जेब में पैसा ही नहीं रहता है एक दस रुपए पड़े बीस रुपए पड़े सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको हो जाता है तो कैश की जरूरत आजकल कम पड़ती है सरकार भी चाहती है कि आप कैश कम खर्च करो जब भी एटीएम से निकालो तो पांच का ही नोट निकलेगा हर दो हजार का कभी नहीं निकलेगा मैंने बहुत क्योंकि सर्कुलेशन में है ही नहीं ना पैसा जिसका पहले से पड़ा हुआ वो है बाकी पैसा ही नहीं सरकार ने दो हजार का नोट ही बंद कर दिया ठीक है उस समय तो यह था कि स्कैर uh, थी पैसे की तो दो हजार का नोट प्रिंट कर दिया अब यह भी बड़ी विचित्र बात है कि एक हजार का बंद करके ये बोल गए कि 1000 के नोट से जो है वो महंगाई बढ़ रही है उससे जो काला बाजारी बढ़ रही है हम दो हजार का लेके आ जाते हैं अब एक हजार से काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग यह सब बढ़ रही है दो हजार से नहीं बढ़ रही समझ नहीं आता मोदी है तो मुमकिन है ठीक है उसके बाद उन्नीस सौ छियानवे में नाइनटीन नाइनटी सिक्स में आपके Uh, क्या बोलते हैं आपकी कि गांधी सीरीज के जो नोट है वो जारी किए गए इसके पहले के जो नोट थे उन पे कुछ और साइन वगैरह आपको होते थे 1996 के बाद जो गांधी सीरीज के जो नोट है वो गांधी सीरीज के नोट आपको इंट्रोड्यूस किए गए सो 500 हजार देखो बेटा ऐसा हजार का नोट होता था पहले देखो सब देखो है ना ये हजार का नोट पहले होता था ऐसा देखा है कभी ऐसा हमारे जमाने में हुआ करता था बेटा पांच दस बीस पचास ये कुछ अलग अलग जो नोट है गांधी सीरीज के नोट है अब गांधी सीरीज के नोट बंद हो गए ठीक है अब नहीं होते हैं गांधी सीरीज के नोट अब थोड़ा बहुत यहां पर आपको आता है उसके बाद आ, उसके बाद आरबीआई तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना आ, आ, या वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल रिव्यू है ना वित्तीय फाइनेंशियल रिव्यू ऐसे करके तीन रिपोर्ट जो है आरबीआई जारी करता है तो ये तो कुछ हुई बेसिक आरबीआई के बाद ओके okay, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन मतलब ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है उसके अंदर बेसिकली वो सब बैंकों के बारे में फिर क्या रेपो क्या होता है रिवर्स रेपो क्या होता है फिर आ, आपके जो ये क्या बोलते हैं आपका सी आर आर जो है वो सी आर आर क्या होता है तो सी आर आर के बारे में देखेंगे एस एल आर क्या होता है तो ये सब बेसिक जो टर्म है इनके बारे में हम लोग अगला जो लेक्चर है वो अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर आपको देखेंगे ठीक है उसके अलावा आप अनअकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं अनएकेडमी का एक तरीके से एक मिनट वन टू तो वन जो लाइव मेंटरशिप है तो यू कैन आल्सो गेट द वन टू तो वन, तो वन लाइव मेंटरशिप उसको भी आप प्राप्त लाइव मेंटरशिप भी आप परचेज कर सकते हैं इसके अंदर जो भी एजुकेटर्स हैं या जो अलग से जो मेंटर्स होंगे वो मेंटर्स आपको एक तरीके से हेल्प करेंगे और उसके माध्यम से आप लोग वन टू तो वन, तो वन जो लाइव मेंटरशिप है उसको अटेंड कर सकते हैं ओके उसके साथ में आ, आप लोग कई सारे जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं इनको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं एक मिनट यार प्रमोशन वाली स्लाइड ऐड करना भूल गया मैं, बट वो तो करना ही पड़ेगा कोई है जिसके पास प्लस अप्रोपेशन नहीं है क्लास में भाई आज खुल जा हाँ, तो उसके कोर्सेज होते हैं कई सारे एडवांटेजमी के सब्सक्रिप्शन के कई सारे बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी मास्टर टेस्ट सीरीज जो है पंद्रह और तीस तारीख को होगी सत्रह तारीख को एमपीपीएससी कॉम्बैट है कॉम्बैट होने वाला है एमपीपीएससी प्रियम्स फुल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है कई सारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं आपके एमपीएसआई का एक बैच कोर्स है फिर एमपी एस सी प्रियम का एक बैच कोर्स है आठ महीने का एक फाउंडेशन बैच है मार्च में कई सारी बैचेस आ रही हैं अप्रैल में कई सारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है मेरे दो इंपॉर्टेंट कोर्सेस चल रहे यूनिट नंबर टू और यूनिट नंबर नाइन अभी तक यूनिट नंबर सेवन और टेन वो मैं आपको प्लस में पढ़ा चुका हूं यूनिट नंबर सिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और दो यूनिट यहाँ पर और चल रही है तो इस प्रकार से पांच यूनिट आपकी कुछ दिन में आपको कंप्लीट हो जाएंगी ओके okay, उसके बाद सब्सक्रिप्शन uh, के लिए आपको क्या करना है कि पमन लाइव जो कोड है इस कोड को यूज करना है टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज ठीक है उसके बाद अन अकेडमी ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी जो चैनल है उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लो अभी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथ ही जो ज्ञान कोश चैनल है उसको भी आप जाके ज्वाइन कर ले ठीक है तो ये बात हुई अन की और अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी जाके सब्सक्रिप्शन कर लें ओके चलिए सो दैट्स ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू जैसे लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लेक्चर को लाइक भी कर दें